कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार की ओर से लोगों के लिए राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच इसी राशन के साथ कालाबाजी करने का भी मामला सामने आया है। मुंबई में कोरोना महामारी के बीच रेशनिंग की कालाबाजारी करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एमएचबी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बने गोडाउन में सरकारी एफसीआई गेहूं की 1000 से अधिक बोरियां पकड़ी गई है। साथ ही एक ट्रक को भी जब्त किया गया है, जिसमें 1000 से ज़्यादा गेहूं की बोरियां बरामद की गई। ये गेहूं की बोरियां बोरीवली पूर्व एफसीआई के गोडाउन से कालाबाजारी की गई थी। शिकायत मिलने पर विधायक सुनील राणे ने जाकर गोडाउन का दौरा किया, जहां पर सरकारी गेहूं की बोरियों को दूसरी बोरियों में बदलकर बदहाल हालत में रखे जा रहे थे। विधायक सुनील राणे ने बोरीवली पश्चिम टमाटर मार्केट के गोडाउन में जाकर एमएचबी पुलिस से शिकायत की, साथ ही आरोपियों पर जल्द कार्रवाई करने की भी मांग की गई। कि कुछ लोगों ने ये खबर दी थी कि कल रात से साधारण 2-3 ट्रक एफसीआई में से निकल के एफसीआई के रजिस्टर्ड जिसमें अनाज भरा जाता है, ऐसी जिसको हम बोरी कहते हैं, जो बोरी पे हर बोरी पे एक एफसीआई का स्टैम्प होता है, उस रजिस्टर्ड जिसको बोरी कहते हैं, ऐसी बोरियां लेके कुछ ट्रक जिसको टोमेटो मार्केट कहते हैं दहीसर में, यानी बोरीवली के सरहद पे, तो वहाँ पर खबर मिलने के पश्चात मैं और कुछ कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे और उस गोदाम में, जिस गोदाम को किसी ने, वहाँ पर कोई वॉचमैन नहीं था, कुछ नहीं था और गोदाम पूरा खुला था, वो गोदाम के अंदर जाने के पश्चात हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा कि अंदर बहुत सारी बोरियाँ गिरी थी और उस बोरियों के साथ साथ 2-4 बोरियाँ ऐसी थी कि जहाँ पर ये लग रहा था कि एफसीआई के गोदामों के निशान इसके ऊपर है। फिर पता चला कि एक भरा हुआ ट्रक पुलिस ने रात को कुछ खबर मिलने के पश्चात पकड़ा है, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हालांकि बोरीवली के रेशनिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं स्वयं पुलिस स्टेशन के वहाँ पर गया, हमारे वहाँ के पूर्व नगर सेवक शिवा शेट्टी वहाँ पर थे, बहुत सारे कार्यकर्ता थे, हमने ये मांग की कि वहाँ पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और एफआईआर उसके पश्चात दर्ज किया गया। मैंने हमारे रेशनिंग के डिप्टी कंट्रोलर शेवाले जी को फ़ोन किया, फिर श्रीमान शेवाले ने अपनी टीम भेजी और वहाँ पर हमारे रेशनिंग के सभी अधिकारियों ने, वहाँ पर महिला अधिकारी स्वयं गई और वहाँ पर एफआईआर दर्ज हुआ है। अभी कल सुबह पता लगेगा कि ये जो एक ट्रक पकड़ा हुआ है जो पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा है, उसमें कितनी बोरियां हैं। वो बोरियां तो ट्रांसफ़र की हुई बोरियां हैं, यानी वो बोरियां ऐसी है जहां पर जिसमें जो अनाज है वो अनाज एफसीआई के गोदाम में से निकलने के पश्चात जो बोरियां थी सरकारी बोरियों को, बोरियों में से निकल के उसमें भरा गया है। तो ये कितने महीनों से चल रहा था, तो मेरी जानकारी ऐसी है कि पिछले 1-1.5 महीने से ये चोरी चल रही थी। और अगर ये सरकार का अनाज, गौर गरीब जनता के घर में जाने का जो अनाज है और जिसको चोरी करके काले बाजार में बेचने का काम जो भी कर रहे थे, उनको कड़ी सज़ा मिलने के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे और हमारे गरीब जनता को न्याय देने की बात हम पूरी करेंगे।